Good morning, students. I am Kitra Gaur, your computer teacher from Lyal Public School. Okay. Firstly, अपने ने last class में parts of a computer के बारे में read किया था. Computer के parts कौन-कौन से होते हैं? Mouse, keyboard, monitor, CPU, है ना? अब आप next क्या कर रहे हैं कि उसमें से जो आपका part था keyboard, उसके बारे में अब इस chapter के अंदर अपने read करेंगे. तो दो चैप्टर नंबर इज 4 एंड चैप्टर नेम इज यूजिंग द कीबोर्ड. आपका कीबोर्ड का क्या क्या यूज है उससे रिलेटेड हमारा ये पूरा चैप्टर है. ओके, नाउ की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर इज कर्सर, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेस बार की, बैक स्पेस की, एंटर की एंड लास्ट वन इज एरो की. ये सारी कीज आपके किसके अंदर होती है? कीबोर्ड के अंदर होती है और इन कीज का सबका अलग अलग वर्क है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. वी यूज अ कीबोर्ड टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स. आपको पता है अपने ने लास्ट क्लास में भी ये रीड किया था कि हम कीबोर्ड का क्यों यूज करते हैं. लेटर टाइप करने के लिए, वर्ड्स को टाइप करने के लिए, कुछ नंबर टाइप करने, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का. लेट अस लर्न हाउ टू यूज इट. अब अपने इसमें देखते हैं कि उसको किस तरीके से यूज करते हैं. ओके, लुक एट द कीबोर्ड. ये देखिए आपका कीबोर्ड का पिक्चर है पूरा का पूरा. ठीक है, अब इसके अंदर हर एक आपकी सारी की सारी चीजें डिवाइड हुई हुई है कि कौन सी कीज क्या कहलाती है. ठीक है, नंबर वन आती है अपनी अल्फाबेट कीज. जो ये आपको बीच में ये जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ए टू जेड, जो अपने अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, तो वो चीज आपके जो कीबोर्ड के अंदर होती है तो वो कीज आपकी क्या कहलाती है? अल्फाबेट कीज. ओके, नंबर सेकंड इज नंबर कीज. नंबर कीज आपके टू साइड्स में होती है. नंबर वन, एक तो आपकी जो ऊपर जस्ट अल्फाबेट कीज की जो ऊपर ही आपको जो नाइन दिख रही है 1 to 0, दिस इज नंबर कीज. एंड उसके अलावा जो राइट साइड में आपको यहाँ पे ये कीपैड दिख रहा है जिसके अंदर आपको 0 to 9 क्या दिखी रखी है? डिजिट्स दी हुई है. तो ये दोनों ही कीज आपकी क्या कहलाती है? नंबर कीज कहलाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेस बार. जो सबसे बड़ी की होती है हमारे कीबोर्ड के अंदर, वो चीज आपकी क्या है? स्पेस बार की है. ओके, हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर जाना है तो हम कौन सी की को प्रेस करते हैं? एंटर की को. तो दिस वन इज एंटर की. बैक स्पेस यानी कि हमें एक आगे मूव करना है कर्सर को, मतलब एक तरफ आगे जाना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ए एल लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो मुझे ए को डिलीट करना है, तो मैं कौन सा की यूज करूंगी? बैक स्पेस यानी कि जस्ट पहले. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एरो कीज. ये जो आपको 4 एरोज दिख रहे हैं राइट लेफ्ट अप डाउन, ये आपकी कीज कौन सी कहलाती है? एरो कीज. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ कीबोर्ड हैज अ नंबर ऑफ बटन्स ऑन इट कॉल्ड कीज. जो आपके कीबोर्ड में ये इतने सारे जो बटन्स हैं वो चीज आपके क्या है? कीज कहलाती है. ओके, दिस वन इज कीज. Each key has either a number, a letter, or a symbol printed on it. आपके जो भी मतलब नंबर है, चाहे वो कोई लेटर है या कोई सिंबल है, वो सारे के सारे इन कीज के ऊपर यानी कि इन बटन्स के ऊपर आपके प्रिंट हुए हुए हैं. जैसे कि बी लेटर, आपका बी यहाँ पे है, ठीक है. इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स बने हुए हैं. इसके अलावा आपके यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो ये सब इसके ऊपर कीज के ऊपर प्रिंट हुए हुए हैं, ठीक है. दीज कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स, वर्ड्स एंड सिंबल्स ऑन अ कंप्यूटर. अगर आपको कुछ भी टाइप करना है कंप्यूटर में तो हम किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का. और कीबोर्ड के अंदर क्या होती है? कीज होती है. और कीज आपकी अलग अलग डिवाइड है. ओके, अगर हमें नंबर टाइप करना है तो हम लोग नंबर कीज का यूज करेंगे. अगर हमें वर्ड्स टाइप करने हैं तो हम लोग अल्फाबेट कीज का यूज करेंगे. अगर हमें सिंबल्स टाइप करने हैं तो हम सिंबल कीज का यूज करेंगे. ओके, बिफोर वी लर्न टू यूज द कीज वी मस्ट नो अबाउट द कर्सर. आप जब उसके अंदर पहले जब अपनी कीज के बारे में लर्न करना स्टार्ट करें, रीड करना स्टार्ट करें, उससे पहले हमें कर्सर के बारे में पता होना चाहिए. कर्सर जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, कुछ भी मैं अगर टाइप करूंगी तो आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है? कर्सर कहलाती है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. कर्सर क्या है देखिए,
The small blinking line on the screen is called the cursor. जो आपकी स्क्रीन है यानी कि मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर इस तरीके से कोई लाइन अगर ब्लिंक कर रही है तो वो चीज आपकी क्या है? कर्सर. When we type, the cursor moves ahead. जहां पे आपका कर्सर मूव कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वहीं से हमारी टाइपिंग स्टार्ट होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ये लिया तो मेरा भी देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना. अब मैं कुछ भी टाइप करूंगी तो कहाँ से टाइप होना स्टार्ट हो रहा है? देखिए, ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस दिया, अब मेरा कर्सर कहाँ मूव कर रहा है? दिस साइड, है ना. अब मैंने कुछ यहाँ पे नेम लिखा, जैसे अंकिता लिखा, अंकिता टाइप किया तो अंकिता कहाँ पे इससे स्टार्ट हुआ? यहाँ से. ठीक है, तो दिस इज अ कर्सर. ओके, द कर्सर टेल्स द पोजिशन ऑफ द टाइप टेक्स्ट. कर्सर क्या करता है? वो पोजिशन बताता है कि आपको टेक्स्ट को टाइप करना कहाँ से स्टार्ट करना है. ओके, लेट अस लर्न अबाउट द कीज नाउ. अब अपने किसके बारे में रीड करेंगे? कीज के बारे में. ओके, सो नंबर वन इज अल्फाबेट कीज. अभी आपको बताया था ना अल्फाबेट कीज कौन सी होती हैं. जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ए टू जेड, जो अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे कीबोर्ड पे मेंशन होते हैं तो वो कीज हमारी क्या कहलाती हैं? अल्फाबेट कीज कहलाती हैं. ओके, देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड. आपकी जो अल्फाबेट कीज है वो कितनी है? 26. तो आपके इसमें कीबोर्ड में भी वो कितनी कीज है? 26. ओके, वी यूज दीज कीज टू टाइप लेटर्स एंड वर्ड्स. अगर हमें कोई वर्ड्स टाइप करना है या लेटर टाइप करना है, जैसे मैंने अभी अपना नाम टाइप किया था ना, नेम अंकिता लिखा था, है ना, तो वो किसकी हेल्प से किया था? कीबोर्ड की. कीबोर्ड के अंदर जो हमारी अल्फाबेट कीज है उसकी हेल्प से. ओके, फॉर एग्जाम्पल टू टाइप द वर्ड कंप्यूटर. तो अगर आपको कंप्यूटर वर्ड टाइप करना है तो अपने कौन कौन सी कीज को टाइप यूज करेंगे? सी. सी कहाँ पे है? दिस वन. देखो, वेट, सी कहाँ है अपना? सी ओ एम पी यू टी ई आर. तो हम अगर हमें कंप्यूटर टाइप करना है तो हम इतनी सारी कीज को प्रेस करेंगे तब जाके हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा? कंप्यूटर. ओके, देखिए इसने इन सब कीज को प्रेस किया है तब क्या लिखा हुआ आया हमारे? कंप्यूटर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन की इज नंबर कीज. ओके, नंबर कीज आपकी दो जगह पे होती है कीबोर्ड में, एक तो जस्ट अल्फाबेट कीज के ऊपर होती है और एक उसके साइड में होती है. ओके, तो दोनों का अपने यूज कर सकते हैं नंबर कीज टाइप करने के लिए. नंबर अगर आपको टाइप करने हैं तो हम दोनों कीज का यूज कर सकते हैं. जिसमें आप सूट करते हैं, सुटेबल रहते हैं, आप उन कीज का यूज करिए. देयर आर 10 नंबर कीज ऑफ ऑन द कीबोर्ड. आपके कीबोर्ड में 10 नंबर कीज है. 10 कीज यहाँ पे और 10 कीज यहाँ पे है. 10 कीज मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक कंप्लीट हो रही है. ओके, दे हैव नंबर्स प्रिंटेड ऑन देम. अगर आपको अपने टाइपिंग में नंबर्स की नीड है टाइप करने की तो हम कौन सी कीज का यूज करेंगे? नंबर कीज का. वी यूज These keys to type numbers. और इनका यूज किसके लिए होता है? नंबर टाइप करने के लिए. There are two set of number keys on a keyboard. आपके कीबोर्ड पे कितने सेट है नंबर कीज के? टू. नंबर वन इज अल्फाबेट कीज के पास ऊपर जस्ट, और एक आपका इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपका जो पोर्शन है वहां पे आपको कीज दिखेंगे. ओके, नाउ टर्न योर पेज टू टाइप द नंबर 20. प्रेस द, अगर आपको 20 टाइप करना है, ओके, तो आपको क्या प्रेस करना होगा? 2 और 0. ओके, तो हमें क्या टाइप करना है? 2 एंड 0. तो जैसे ही आप 2 और 0 पे क्लिक करेंगे तब आपका स्क्रीन पे 20 टाइप हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर. या आपको सोचना है और आंसर भी आपको ही देना है. ओके, विच टाइप ऑफ कीज विल यू यूज टू टाइप योर नेम. अब आपको बताना है अभी तक अपने ने कौन कौन सी कीज लर्न करी है. नंबर वन इज अल्फाबेट की एंड नंबर टू इज नंबर की.
ओके अब हमें अगर कोई नाम नेम टाइप करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेरा नाम टाइप किया था ना, अंकिता लिखा था, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको अपना नेम टाइप करना है, तो आप कौन सी कीज का यूज करोगे, अल्फाबेट या फिर नंबर्स कीज? तो ये आपको सोचना है और फिर मैं आपको सेंड करना है कि इसमें क्या आएगा. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेस बार की. स्पेस बार की इज द दिस इज द स्पेस बार की. अभी मैम ने बताया था कीबोर्ड के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है वो आपकी क्या कहलाती है, स्पेस बार की कहलाती है. ओके वी प्रेस इट टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स. अगर आपने जैसे देखी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेस बार, देन यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया है, फिर की. अगर आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे मेरा नेम क्या है, अंकिता, ओके, या तो मैं साथ में ही लिख दूंगी GAUR, तो मैंने यहाँ पे स्पेस का यूज नहीं किया, बट अगर मैंने ऐसा लिखा है अंकिता देन स्पेस, यानी कि बीच में आपके स्पेस आ रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग कौन सी की का यूज करेंगे, स्पेस बार की का, और फिर क्या लिखेंगे, गॉड. ओके तो ये जो बीच में ब्लैंक स्पेस आ रहा है तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड में कौन सी की यूज करेंगे, स्पेस बार की. और आपके कीबोर्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट की है वो कौन सी होती है, स्पेस बार की. ओके फॉर एग्जाम्पल टू गिव स्पेस आफ्टर अ वर्ड प्रेस द स्पेस बार की. अगर आपको किसी वर्ड के बाद में यानी कि जस्ट बाद में कोई स्पेस देना है तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, स्पेस बार की का. द कर्सर मूव्स फॉरवर्ड लीविंग अ ब्लैंक स्पेस. कर्सर क्या करेगा, एक मूव आगे हो जाएगा और वो क्या दे देगा, वहां पे स्पेस दे देगा, ब्लैंक स्पेस. Then type another word. और उसके बाद आप कोई दूसरा वर्ड टाइप करिए. जैसे देखिए पहले इसने क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा, फिर उसके बाद इसने स्पेस बार की टाइप प्रेस करी, फिर आपका कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, यहां पे, फिर उसने कीबोर्ड लिखा. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज बैक स्पेस की. ये आपकी कौन सी की है, बैक स्पेस की. वी प्रेस इट to erase the letters and words we type by mistake. Suppose आपने कोई letter ऐसा type कर दिया है गलती से, जैसे अपने answer कई बार गलती से type कर लिख देते हैं ना, तो इसी तरीके से computer में भी अगर आपने गलती से कुछ type कर दिया है letter या word, उसको अगर आपको erase करना है, कॉपी में तो हम लोग किससे इरेज कर देते हैं, इरेजर से. अगर आपको कंप्यूटर में इरेज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, बैक स्पेस की का. ओके टू इरेज अ लेटर प्रेस द बैक स्पेस की वंस. ओके फॉर एग्जांपल देखिए इसमें कंप्यूटर इसने बिल्कुल सही लिखा है स्पेलिंग, फिर कीबोर्ड में यहाँ पे एफ की जगह क्या आना था, डी आना था. ओके अब ये आपको क्या करना है, हटाना है यहाँ से, इरेज करना है, तो हमने किसको प्रेस करा, बैक स्पेस को, तो देखिए यहाँ से एफ क्या हो गया आपका, इरेज हो गया. ओके अभी अपने ने 4 टाइप्स की कीज कर ली है, नंबर 1 इज अल्फाबेट, नंबर की, स्पेस बार की एंड बैक स्पेस की. ओके नाउ टर्न योर पेज. नेक्स्ट इज एंटर की. ओके यस एंटर की, दिस इज द एंटर की, जहां पे ENTER लिखा हुआ होता है और इस टाइप का एरो बना हुआ होता है की पे, वो आपकी की कौन सी कहलाती है, एंटर की. वी प्रेस इट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. अगर आपको कुछ न्यू लाइन से स्टार्ट करना है तो हम किस की का प्रेस, कौन सी की को प्रेस करेंगे, एंटर की को. फॉर एग्जाम्पल कैसे आप करेंगे ये चीज है ना, तो जैसे मैम ने यहाँ पे लिखा वी प्रेस it to start a new line. Okay, उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने full stop लगा दिया, then मैंने enter दबाया, enter दबाते में कौन सी line में आ गई, next line में, और यहाँ से मैंने start कर दिया लिखना when we press. Okay, इस type से अपने इसको करेंगे, ठीक है.
अब इसमें ये क्या कह रहा है, वी प्रेस इट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन व्हाइल टाइपिंग द एंटर की इज एट टू प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड। अगर आपको कोई न्यू लाइन स्टार्ट करनी है तब अपने की कौन सी की को प्रेस करेंगे, एंटर की को। एंटर की आपकी टू प्लेसेस पे होती है कीबोर्ड में, एक तो जहाँ पे आपकी अल्फाबेट कीज होती है उसके जस्ट पास में, और एक जहाँ पे आपकी साइड में नंबर कीज होती है ना, वो उसके पास में भी आपकी एक एंटर की होती है। ओके, व्हेन वी प्रेस द एंटर की द कर्सर मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आपने जैसे ही एंटर की को प्रेस करा है तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। वी कैन देन टाइप इन द न्यू लाइन, और आप फिर टाइप इसमें करोगे न्यू लाइन में। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या लिखा, इसमें कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर के बाद उसने एंटर करा, एंटर करने के बाद आपका देखिए कर्सर कहाँ पे मूव कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में। और फिर इसने क्या लिखा है, यहाँ पे कीबोर्ड लिखा है। ओके, एट टू नॉलेज ऑन सम कीबोर्ड द एंटर की इज ऑफ दिस शेप। आपकी कई कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें या तो एंटर की इस टाइप की या फिर इस टाइप की होती है, तो शेप्स आपकी अलग अलग मिल सकती हैं आपको कीबोर्ड पे। ओके, नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर, सर्कल द स्पेस बार की। कौन सी की स्पेस बार की होती है, अभी मैम ने बताया था जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है कीबोर्ड में वो कौन सी की होती है, स्पेस बार की। तो मैंने किसको सर्कल करा, दिस वन, तो दिस वन इज अ स्पेस बार की। ओके, नाउ टर्न योर पेज, लास्ट वन इज एरो कीज। वी प्रेस एरो कीज टू मूव द कर्सर। इसके अंदर क्या है कि अगर आपको कर्सर को मूव करना है, अप जाना है, डाउन जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एरोज कीज का। देयर आर फोर एरोज कीज। कौन कितनी टाइप्स की एरो कीज होती है, फोर टाइप्स की, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो दीज आर द एरोज कीज। दिस वन इज अप एरो। अप एरो यानी कि ये देखो एरो का साइन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इसलिए इसको अप एरो की कहते हैं। इसका साइन क्या है, नीचे की तरफ, तो इसको क्या कहते हैं, डाउन एरो। इसका साइन लेफ्ट की तरफ, तो इसको लेफ्ट एरो की कहते हैं। और इसका साइन राइट की तरफ, तो इसको राइट एरो की कहते हैं। ओके, नाउ कंप्यूटर। अब आपने जैसे कि कर्सर आपने लिखा हुआ है कंप्यूटर कीबोर्ड, अब आपका कर्सर कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पे। ओके, मैंने अप वाली एरो की प्रेस करी तो आपका कर्सर कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने इस क्लास में क्या क्या रीड किया है, हमने कीबोर्ड के बारे में रीड किया है, कीबोर्ड में कर्सर क्या चीज होती है हमने वो चीज देखी है, उसके अलावा कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है उसके बारे में रीड किया, कौन कौन सी कीज के बारे में, अल्फाबेट कीज, स्पेस बार की, नंबर की, एंटर की, एरो की, बैक स्पेस की, इन सब के बारे में रीड किया है ना। ओके, सो टुडे इज इनफ क्लास। ओके, बाय बाय।